एचईसी की तरफ से एक नोटिफिकेशन शाया किया गया था जिसमें उन्होंने वादे तौर पर लिखा था कि किसी भी डिग्री अवार्डिंग यूनिवर्सिटी को, चाहे वो पब्लिक सेक्टर है या प्राइवेट सेक्टर है, उसको अपने किसी भी पार्टनरशिप प्रोग्राम के तहत कोई भी सब कैंपस चलाने की इजाजत बिल्कुल नहीं है। ऐसे किसी भी वजह से अगर आप डिग्री लेते हैं तो एचईसी उसको बिल्कुल भी वेरीफाई नहीं करेगी और वो आपकी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, ना ही पाकिस्तान में और ना ही आउट ऑफ कंट्री, ना ही उस डिग्री के बेस पे आप जॉब कर सकते हैं। वो डिग्री होना या ना होना एक बराबर ही होगा। और इसी के साथ एचईसी ने अपनी वेबसाइट पे बकायदा यूनिवर्सिटीज की लिस्ट मेंशन की थी कि ये तमाम जो यूनिवर्सिटीज हैं ये एचईसी से वेरीफाई हैं, इसके ये वाले कैंपस जो हैं एचईसी से वेरीफाई हैं और ये वाले जो एफिलिएट कॉलेजेस हैं वो एचईसी से वेरीफाई हैं। इसमें पूरे पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज सब कैंपसेज और कॉलेजेस की लिस्ट बकायदा मौजूद है। अगर आप उन कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज या सब कैंपस से पढ़ रहे हैं तो आपकी जो डिग्री है वो वेरीफाइड होगी। अब उसको किस तरह चेक करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या आप जिस कॉलेज या जिस यूनिवर्सिटी या जिस सब कैंपस से पढ़ रहे हैं वाकई एचईसी से वेरीफाइड है या नहीं, वो खुद आप अपने मोबाइल से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा इसी नोटिफिकेशन में एक और उन्होंने चीज मेंशन की थी कि जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है, इसका सब कैंपस लैया और साहिवाल, इन दोनों कैंपसेज में एचईसी ने दाखिलों का जो था वो मना कर दिया था। अगर आप इन कैंपस से डिग्री कर रहे हैं तो आप इन दोनों कैंपसेज से अवॉइड करें। आप बकायदा ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा और आप इनकी वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द कैरियर ट्रेन। आइए अब जानते हैं कि आपने किस तरह अपने मोबाइल फोन से चेक करना है कि आप जिस यूनिवर्सिटीज या सब कैंपस या एफिलिएट कॉलेज जहां से भी आप डिग्री ले रहे हैं, कोई भी इंस्टीट्यूट है चाहे वो पाकिस्तान में, तो वो क्या एचईसी से वेरीफाइड है या नहीं, या फिर आपके साथ स्कैम किया जा रहा है और चार साल बाद जब आप डिग्री लेके निकलेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये डिग्री कोई वैल्यू नहीं है, आपका जो चार साल का वक्त था और पैसा था वो बर्बाद हो चुका है। तो इसके लिए एचईसी की वेबसाइट पे बकायदा तमाम पूरे पाकिस्तान के जो इंस्टीट्यूट है उनकी लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। अब आपने किस तरह चेक करना है, आपको स्क्रीन पे भी इनकी वेबसाइट जो है वो शो हो रही होगी, इसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है, आपने उस लिंक पे जाना है। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का जो इंटरफेस है वो शो हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम स्क्रॉल डाउन करें तो ये देखें आप सेकंड पे ऑप्शन शो हो रहा है हमारे पास रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स। अब इस रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स में ये न्यू आपको आगे ब्लिंक करता भी शो हो रहा होगा कि रिकॉग्नाइज्ड एफिलिएट कॉलेजेस ऑफ पब्लिक सेक्टर, यानी कि जितनी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज हैं या जितने पब्लिक सेक्टर अदारे हैं उनसे जो एफिलिएट कॉलेजेस हैं पूरे पाकिस्तान में जो एचईसी से वेरीफाई हैं वो कौन से हैं। तो आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे पास लिस्ट आ चुकी है पूरे पाकिस्तान के एफिलिएटेड कॉलेजेस की जो कि एचईसी ने वेरीफाई किए हुए हैं। आप इनमें एडमिशन लें, इनमें आप जो डिग्री करेंगे वो एचईसी से बकायदा वेरीफाई होगी। अब इसमें देखें आगे प्रोविंस लिखा है, ये आजाद जम्मू एंड कश्मीर है। इस तरह आप अगर इसको स्क्रॉल डाउन नीचे मैं करूं तो तमाम प्रोविंस का, इस तरह खैबर पख्तूनख्वा यहाँ पे शुरू हो गया है, तो नीचे आप करें तो यहाँ पंजाब आ गया है, ठीक है। मजीद नीचे ले जाएंगे तो ये तमाम पंजाब के हैं, सिंध स्टार्ट हो गया है। तो यानी कि आपका ताल्लुक किसी भी प्रोविंस से है तो तमाम प्रोविंसेस के जितने भी एफिलिएट कॉलेजेस हैं पूरे पाकिस्तान में वो तमाम यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी या जिस भी एफिलिएट कॉलेज उसके आप पढ़ रहे हैं तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आया कि वो एचईसी से वेरीफाई है या नहीं। इसके अलावा सेकंड बात करते हैं, ये तो एफिलिएट कॉलेजेस थे, अगर आपने सब कैंपस चेक करने हो जिस टाइम कोई भी यूनिवर्सिटी है उसके डिफरेंट सिटीज के अंदर सब कैंपसेज होते हैं तो क्या वो एचईसी से वेरीफाई हैं या नहीं, तो यहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड कैंपसेज का भी ऑप्शन हमारे पास है रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स के अंदर ही दूसरे नंबर पे, तो इस पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास जितने भी रिकॉग्नाइज्ड कैंपसेज हैं यूनिवर्सिटीज के वो आ जाएंगे। जिस तरह सबसे पहले कॉमसेट यूनिवर्सिटी है, इसका एबटाबाद कैंपस, अटक कैंपस, लाहौर, वाह, बिहाड़ी, साहिवाल, ये तमाम कैंपस जो है वो एचईसी से वेरीफाई है। अगर इसके अलावा कोई कैंपस इसका होगा तो एचईसी से वेरीफाई नहीं होगा, ठीक है। इस तरह ही नेक्स्ट हमारे पास यूनिवर्सिटी है, फिर नमल का उसने बताया हमारे पास कि कौन कौन से कैंपस जो हैं वो एचईसी से वेरीफाई हैं। तमाम जो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज हैं इसके तमाम के यहाँ पे जो कैंपसेज हैं वो उन्होंने बताए हुए हैं। देखिए यहाँ पे प्रोविंस वाइज उन्होंने इसको किया हुआ है, इस तरह से पहले पंजाब स्टार्ट हो रहा है, इस तरह आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो तमाम प्रोविंसेस का डाटा आपके पास जो है वो आ जाएगा। फिर इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज, अब आपने कैंपस भी चेक कर लिए या एफिलिएट कॉलेज, अब आपने अगर यूनिवर्सिटी देखनी है कि आया कि वो यूनिवर्सिटी भी वेरीफाई है या नहीं, तो यहाँ पे फर्स्ट के ऊपर ही ऑप्शन है यूनिवर्सिटी का, तो यहाँ पे हमारे पास तमाम वो यूनिवर्सिटीज आ जाएंगी जो जो कि एचईसी से वेरीफाई हैं, ठीक है। ये तमाम हमारे पास दिए हैं, ये पेज नंबर वन है, आगे टू कर लें तो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा थ्री, तो यहाँ पे तमाम ए टू जी जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं पाकिस्तान की वो आ जाएंगी जो एचईसी से वेरीफाई हैं। और यहाँ पे देखें आप बाय नेम भी सर्च कर सकते हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी आप उसका नेम लिखें तो वो शो हो जाएगी आपको कि वो इस लिस्ट में है कि नहीं। तो इस तरह आप चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन से कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी या सब कैंपस या एफिलिएट कॉलेज में पढ़ रहे हैं या एडमिशन लेने जा रहे हैं तो वो एचईसी से वेरीफाई है या नहीं, आपका डिग्री करना वहां पे फायदेमंद होगा या नहीं होगा। तो एडमिशन लेने से पहले लाजमी चेक करें, और आपने एडमिशन ले लिया है तब भी लाजमी चेक करें ताकि आपका जो नेक्स्ट जो टाइम है
वो जाया ना हो और आपका पैसा जो है बच सके अगर आप बाकी किसी अनरिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी इस हवाले से पता चल सके। डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक के जरिए आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपको तमाम यूनिवर्सिटीज के एडमिशन डिटेल्स, यूनिवर्सिटी टेस्ट के हवाले से गाइडेंस और इसके अलावा गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स की अपडेट्स, गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब के टेस्ट की जो तैयारी है उसके हवाले से तमाम तर मटेरियल आपको यहाँ पर मिलेगा। और इसके अलावा इंटर्नशिप्स, स्कॉलरशिप्स, फॉरेन स्कॉलरशिप्स और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स के अलावा बैंक लोन, यानी कि एजुकेशनल हर तरह की जो अपडेट है वो आपको इस ग्रुप में मिलेगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट।